हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आरो के रिएक्शन में और मैं हूं कविता। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो कर लीजिए। उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज जो इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आई है वो आई है कि हिंदू पंडित ने जाकिर नायक से बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया। तो आपको पता है कि जाकिर नायक की डिबेटेबल कॉन्वर्सेशन होती रहती हैं और बहुत बखूबी से वो जवाब देते हैं। तो बहुत सारी उनकी इस तरह की कॉन्वर्सेशन वायरल हुई हैं, फेमस हुई हैं, जिसमें बखूबी उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दिया है। एंड एज अ हिंदू मैं कहती हूँ कि बहुत टाइम उनके फैक्ट्स को मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ। तो आज ये कॉन्वर्सेशन भी आई वो उतनी ही फैक्ट के साथ एंड लॉजिकल होने वाली है। और पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं। हम अलग तरीके से इबादत करते हैं, हम में ये चीज नहीं कि आप किस तरीके से इबादत कर रहे हैं। जिसका जैसे दिल चाहता है प्रार्थना करता है, बस दिल से करना चाहिए। हमारी फिलॉसफी के हिसाब से ये ठीक है। आप कहते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर कोई नहीं हो सकता, मगर हमारी फिलॉसफी के हिसाब से कोई भी इंसान इस लेवल तक पहुँच सकता है। आपका क्या ख्याल है, क्या आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं? नाज़रीन, ये सवाल एक हिंदू बुजुर्ग शख्स ने किया था जो अपने हुलिये से पंडित लगता था। उसने जाफरानी रंग के कपड़े पहन रखे थे जो हिंदुओं की पहचान है। इस शख्स का सवाल था कि कोई भी शख्स तपस्या करके कोई भी मकाम हासिल कर सकता है, चाहे तो ऐसे लेवल पर पहुंच सकता है जिसका मंतकी तौर पर कोई वजूद ही नहीं हो सकता। इसका सवाल इस हिंदू नजरिए के तनाजुर में था जिसमें हिंदू हर चीज में भगवान की झलक देखकर इसकी इबादत करना शुरू कर देते हैं, जैसे आग, दरख्त, पानी, पत्थर, हवा, बिजली, इंसान, घर, गर्ज। ये के हिंदू माशरे में भगवान का तसव्वुर ऐसा है कि हाल ही में ऐसे वाकयात भी हुए कि अमरीकी सिंदूर की तस्वीर घर में लगाकर हिंदुओं ने उनकी ही पूजा करनी शुरू कर दी। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नायक का क्या जवाब था, हम आपको तफसील के साथ सुनाते हैं। हम हिंदू है तो हम अलग अलग तरह के से वर्शिप करते हैं। हम हिंदू है ना तो अलग अलग टाइप से वर्शिप करते हैं, तो उनको मानते हैं। हमको कोई कॉन्ट्रोडिशन नहीं कि आप कौन सी तरह से वर्शिप करते हैं, तो उससे कोई मायना नहीं रखता। आप कौन से दिल से करते हैं उसको ज़्यादा मायना रखते हैं। तो हमारे फिलोसफी के हिसाब से तो कोई भी ह्यूमन, अभी आप बोलते हैं कि मोहम्मद पैगंबर से ऊपर कोई नहीं हो सकता आपके हिसाब से, मगर हमारे फिलोसफी के हिसाब से कोई भी इंसान वो लेवल तक पहुंच सकता है। तो आपका क्या कहना है, आप वो लेवल तक पहुंच सकते हैं? डॉक्टर जाकिर नायक ने सवाल के जवाब में जो पहली बात की उसी ने इस हिंदू पंडित की सारी बात को ही एकदम से बदल कर रख दिया। डॉक्टर साहब बोले कि दिल से करना जरूरी है, मगर साथ ही सही करना भी लाजिम है। अगर दिल से चोरी करें तो क्या ये सही होगा? दिल से करो मगर सही चीज करो। पूजा करते हैं ये अहम नहीं, किसकी करते हैं ये अहम है। दिल से करना भी अहम है, मगर दिल के साथ किसी की करते हैं और क्यों करते हैं ये भी जरूरी है। अगर मैं कहूं कि दिल से चोर की पूजा करने लगूं तो क्या आप मानेंगे? मैं रावण की दिल से पूजा करूं तो आप कहेंगे कि राक्षस की पूजा करता है, कैसा आदमी है। ये एक सही चीज दो तरीके से हो सकती है, अगर दोनों सही हैं तो कोई मसला नहीं। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि अल्लाह ताला के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा मखलूकात में सबसे ज्यादा है, फिर सहाबाए किराम और फिर बाकी आते हैं। आपने सवाल किया कि क्या मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेवल पर आ सकता हूँ, तो जवाब है कभी नहीं। मैं कोशिश कर सकता हूँ मगर कभी पहुँच नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह ताला के वो पैगंबर हैं। यह हदीस में है कि पैगंबर सबसे ऊंचे दर्जे पर हैं और मैं पैगंबर नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के खात्मे पर हैं, और अल्लाह हर बात जानता है। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कहे कि मैं पैगंबर हूँ, उसको चाहिए कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाए और अपना इलाज कराए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबियीन हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये कुरान पाक में लिखा है, और जो कुछ कुरान पाक में लिखा है मैं इसकी शहादत देता हूँ कि ये 100% दुरुस्त है। और जब हम यकीन रखते हैं कि फलां किताब बिल्कुल सही है तो हमें इसकी पैरवी भी करनी चाहिए। तो जब कुरान और हदीस कहती है कि कोई नबी अब नहीं आएगा तो मैं गलत हूँ। हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मानूं, लेकिन अगर मैं कहूँगा कि मैं इस लेवल तक पहुँच जाऊँ तो ये मुमकिन ही नहीं। अल्लाह क्लियरली मेंशन्ड
इन सूरे आजाब चैप्टर 33 वर्स नंबर 40 मा काना मोहम्मदुन अबा अहद मिरजालकुम वला खिर रसूलुल्लाह व खातम النبيين व काना ला बिकुल शैन अजीम द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ यू मेन बट ही इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सील ऑफ द प्रॉफिट्स अल्लाह इज ऑल नोइंग फुल ऑफ नॉलेज आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद एनीवन हु सेज इज अ मैसेंजर ही हैज टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं कोशिश कर सकता हूं कि निचले दर्जे से ऊपर दर्जा पाता जाऊं मैं 20-40-60% तक पहुंच सकता हूं मगर मैं 100% नहीं हो सकता मगर वहीं दूसरी तरफ आप हिंदुओं की फिलॉसफी ये है कि आप अकीदा रखते हैं कि आप पैगंबरों के लेवल पर पहुंच सकते हैं और भगवान भी बन सकते हैं और जब आप भगवान होने का दावा कर लेते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी पूजा भी की जाए इसका मतलब है कि हिंदू अकीदे के मुताबिक आप भी भगवान बन सकते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले इस हिंदू से पूछा कि आप भी भगवान बन सकते हैं अगर चाहें तो आपको बस अपने अकीदे के मुताबिक ये समझना है इस पर ये शख्स बोला नहीं मैं भगवान नहीं बन सकता पैगंबर वाले दर्जे पर हो सकता हूँ डॉक्टर साहब बोले मगर आपका हिंदू अकीदा तो यही कहता है इस पर ये शख्स बोला कि भक्ति करने की इजाज़त है मगर हम भगवान तो नहीं हो सकते भक्ति लेने के लिए जरूरी है कि हम शादी न करें मगर शादी तो हर कोई करता है अगर कोई शादी न करे तो वो भक्ति ले सकता है डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बिल्कुल यही बात है कि हिंदू मत में आप दुनियादारी सब कुछ त्याग देते हैं खुद को योगी कहलवाते हैं और फिर आप दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करके भक्ति इख्तियार करते हैं मगर इस्लाम में दुनियादारी भी दीन का हिस्सा है आप जब तक शादी नहीं करेंगे अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते दुनिया और दीन को साथ साथ लेकर चलना ही असल इम्तहान है अगर मैं बोलूं कि मैं स्कूल में सिवाय रियाजी के कुछ नहीं करूंगा तो फेल हो जाऊंगा That's the reason in your Hindu philosophy, not only can we go to the level of messenger, you can even go to the level of God. And then, if you become God, people have to worship you. Right? Right or wrong? So why limit? That means even you can become God, right or wrong? Can you become God? Can you become God, brother? Arre, why not God? Why limit? There are limitations. Why? प्यारा गॉड खुदा क्यों नहीं हो सकते अब खुदा क्यों नहीं बन सकते डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को समझाया कि इस्लाम और हिंदुइज्म में बुनियादी फर्क यही है कि हिंदू समझते हैं कि कुछ तपस्या करके हम भगवान के लेवल तक भी पहुंच सकते हैं जो आपका सवाल भी है मगर हकीकत यह है कि भगवान के लेवल तक कोई पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि खुदा इंसान नहीं है और इंसान इंसान रहते हुए कभी खुदा बन ही नहीं सकता आसान लफ्जों में कहें तो खुदा एक ही है और कोई दूसरा नहीं पैगंबर इंसान है मगर मुंतखब किए हुए हम पैगंबरों की पूजा भी नहीं कर सकते उनकी इबादत हराम है उनकी इज्जत कर सकते हैं उनकी मान सकते हैं और मुझे माफ कीजिएगा आपने अभी शादी की बात की और भक्ति की बात की तो क्या आपने देवदासी का नाम सुना है उस शख्स ने जवाब दिया कि देवदासी देव के साथ शादी करते हैं और हमालिया पर संत के साथ जाते हैं और तपस्या करते हैं माफ कीजिएगा मगर क्या ये नजरिया कुछ अजीब नहीं लगता कि हिंदू भगवान से शादी करते हैं और फिर संत के साथ चले जाते हैं इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने मर्द और औरत के दिल में प्यार डाला जब आप लड़की को देखेंगे तो आपके अंदर जज्बात जागने चाहिए अगर नहीं जागते तो आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए आप कहें कि मैं लड़की को देखता हूं और कुछ नहीं होता तो प्रॉब्लम है इसीलिए हिजाब का भी हुक्म आया सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नबी अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि अपने मुंहों पर नकाब डाला करें ये इससे ज्यादा करीब है कि पहचानी जाएं फिर न सताई जाएं और अल्लाह बख्शने वाला निहायत रहम वाला है डॉक्टर साहब का कहना था कि बाइबल में भी लिखा है कि खुद को ढांपें वेदा में भी यही लिखा है डॉक्टर साहब ने एक शख्स की तरफ इशारा किया जिसने उस शख्स से पहले पर्दे से मुतालिक की सवाल किया था डॉक्टर साहब ने कहा कि डेविड भाई को चाहिए कि वो भी अपने घर जाएं और घर वालों को बताएं कि अपनी माँ बहन बीवी बेटी को कहें कि बाइबल में लिखा है कि आप अपने आप को ढांपें पर्दा करें शाइस्तगी के साथ लिबास पहनें और दिखावा न करें हो सकता है क्या डेविड भाई Brother David will go and tell his wife that Bible says you should cover your head and maybe he will tell his sister or his mother that I have just come to know that you should dress up modestly like Mother Mary. Same is mentioned Veda. Veda padenge, Rig Veda ke andar. Brahma has created you as a woman. Therefore lower your gaze and cover your head. Wear a veil.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले शख्स से कहा कि मैंने हिंदुइज्म और इस्लाम के दरमियान मुमासलत की बात की है, मैं मुंतजमीन से दरख्वास्त करूंगा कि आपको ये लेक्चर दे दें, आप इसको सुने, आपको एहसास होगा कि हिंदुइज्म और इस्लाम के दरमियान बहुत ज्यादा मुमासलत है, तो हमें ये करना है कि ये दोनों मजाहिब में फर्क है, इसको भूल जाएं और जो चीजें एक जैसी हैं इन पर अमल करें। जैसा कि इस्लाम, हिंदुइज्म और ईसाइत तीनों में लिखा है कि शराब न पियो, झूठ न बोलो, धोखा न दो, चोरी न करो, सूअर का गोश्त न खाओ, जुआ न खेलो। तीनों मजाहिब कहते हैं कि खुदा एक है, बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए। तीनों मजाहिब कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। तो जब तीनों मजाहिब एक जैसी चीजें कहते हैं तो हमें तीनों पर अमल करना चाहिए। जो फर्क है इस पर कल बात कर लेंगे, मगर आज तो हमें इस पर अमल करना चाहिए जो सब मजाहिब में मुश्तरक है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से, बहुत अच्छा सवाल था और मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई, हाईली इम्प्रेस हुई इस वीडियो से, क्योंकि जो पंडित हैं उन्होंने जो सवाल पूछा कि क्या वो अल्लाह पैगंबर की बराबरी कर सकते हैं, तो उस पे जाकिर नायक का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके उन्होंने जवाब दिया। और आजकल इवन दोनों धर्मों में, एग्जैक्टली दोनों भी नहीं कहूँगी मैं, मोस्ट ऑफ द धर्म में आजकल ये हो गया है कि लोग कहते हैं हमने इतनी तपस्या की और हमने यू नो हमारे अंदर भगवान आते हैं, उसका भी मजाक बनाया जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म में मोस्टली ये चीजें होंगी। आपको कोई ना कोई एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसा शख्स जरूर मिल जाएगा जो भगवान के नाम पे लोगों को गलत रास्ते पे भेज रहा है या उनकी इमोशंस का, उनकी भावनाओं का फायदा उठा रहा है। तो सबसे पहले आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। और बराबरी करने की जहां तक बात है, तो भगवान की बराबरी तो डेफिनेटली कोई भी नहीं कर सकता किसी भी धर्म में, क्योंकि वो हमारे एक रोल मॉडल होते हैं। आप उनके दिए गए रास्तों पे चल सकते हैं क्योंकि उन्होंने कभी कोई गलतियां नहीं की होंगी। तो आज की डेट में जैसे हम इंसान नॉर्मली भटक जाते हैं, हमारे पास फ्रेंड्स होते हैं, फैमिलीज होती हैं कि यू नो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उसे रास्ता बताने के लिए, उसी तरह वी हैव अ रोल मॉडल विद अस जिन्होंने इतना ऊँचा स्थान ले लिया है इस पूरी दुनिया में कि उनकी बराबरी डेफिनेटली आज की डेट में कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो। लेकिन एटलीस्ट उनके दिखाए गए जो पाथ्स हैं, जो मार्ग हैं, बेसिकली थ्रू देयर बुक्स जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कुरान हो गई, भगवद गीता हो गई, बाइबल हो गई, इनमें उनके बारे में लिखा हुआ है कि ऐसी मुश्किलों आने पे उन्होंने कैसा रिएक्ट किया, उनका क्या बिहेवियर था, कैसे उन्होंने उस सिचुएशन से ओवरकम करा। तो उनसे हम चीज़ें देख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम डीमोटिवेट हो जाएं या डिस्करेज हो जाएं या अपनी लाइफ के साथ कोई थ्रेट करे, जैसे बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए यू नो इन बुक्स को बनाया गया है, मगर आजकल बहुत सारे लोग हर धर्म में इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। बाकी वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया देख के। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको ये रिएक्शन और वीडियो दोनों अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो।